जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको कागज पे पक्का करने की एक अलग ही इंपॉर्टेंट होती है, जो भी जरा मैं फटाफट करा लूं। कोर्ट की तरफ है, सामने है कचेरी और ये टिंकू भाई की जगह। टिंकू भाई के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं आमतौर पे, रजिस्ट्रियों के कागज के। हम भी आ गए हैं अपना करवाने के लिए। टोयोटा के कागजों की फाइल में डाल दी थी मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल ना। भाई साहब तो बिजी बहुत है, तो मैंने इनको कहा कि ओरिजिनल फाइल मेरे को भेज दो आप, मैं मॉडिफिकेशन करके ना आपको भेज दूंगा वापस, आप फिर प्रिंट करवा के नोटराइज करवा के मेरे लिए रख लेना। तो एक घंटे बाद दोबारा मुझे आना है इनके पास। गुलाटी साहब पहुंच गए हैं साइट पे। आपके जो भी कंसर्न है आप बता देना। मैंने लिख के रखे हुए हैं। मम्मी को बीच-बीच में याद आती है, मम्मी नोट कर लेती है। ठीक है, मैं कह नोट कर लो, फिर वहाँ जब मिलोगे तो कहोगे ये तो रह गया। रख लिया ना पेपर। ये भी मैंने कहा था एक फोन पे नोट और बना लो कि जिस पेपर पे नोट किया वो पेपर ही ना भूल जाए जाते हुए। मेरे साथ ऐसा हो जाता है कई बार, तो इसलिए अब मैं जो मैकबुक में ना वर्ड में नहीं बनाता अपने नोट्स, मैं नोट्स ऐप है इसके अंदर उस पे बनाता हूँ। तो कई बार मैं लैपटॉप ले जाना भूल जाऊँ या उसको खुद को व्हाट्सएप करना भूल जाऊँ कि मैंने ये जैसे शूटिंग के लिए कई पॉइंटर्स होते हैं कि फलाना सिटी एक्सप्लोर करूँ तो ये जगहें दिखानी है, तो इसलिए मैं नोट्स में बनाता हूँ। नोट्स जो है ना वो फोन पे और इस पे ऑटो सिंक्रोनाइज होते हैं अगर दोनों पे इंटरनेट हो, तो अगर लैपटॉप ले जाना भूल भी जाए तो वही सेम मेरे फोन पे खुल जाता है, तो इसीलिए क्लाउड वाला काम जो है वो चल रहा है अभी फिलहाल। ये जी पार्क है अपने घर के साथ वाला, अच्छा पार्क बना हुआ है, पीछे घर भी बढ़िया बने हुए हैं उस तरफ भी, और ये कोने का प्लॉट और इसके साथ वाली ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, इससे आपको थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। और ये गुलाटी साहब की गाड़ी खड़ी है। चल चल आओ जी, ध्यान से ध्यान से। ओ बड़ी लंबी लिस्ट बना के लाए, अच्छा 3-4 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, डायरी मम्मी छोटी ले आई है, कोई नहीं। लकड़ा का काम शुरू हो गया भाई, वेरी गुड। नीचे तो शटरिंग खुल गई है, लकड़ा का बढ़िया काम शुरू हो गया है, प्रोग्रेस तो है। तराई चल रही है, चौखटे लग रही हैं। एक दो दरवाजे पे खड़ी होने शुरू हो गई चौखटे। नहीं ये फॉल सीलिंग के लिए लग रहे हैं ना ऊपर। उसकी हो गई है फॉल सीलिंग, पीओपी सब हो गया। मेन जिस काम के लिए बुलाया ना हमने वो ये है कि मैं ये दीवार थोड़ा निकालना है, तो इसको वो फाइनल करने से पहले उससे रिलेटेड एक दो तो चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। एक तो ये जो एसी की आउटलेट है ये भी एडजस्ट होगी, दूसरा आपके क्या क्या काम है? मेरे तो छोटे मोटे हैं कि कबर्ड में क्या, यानी आरओ के लिए जगह कहाँ रखनी है, कबर्ड किस तरह की रखनी है, okay. वो जो चूल्हा हॉब लगना है जब से दीवारें सफेद हुई है, जब से ये सफेद हुई है कमरे और बड़े लगने लग गए हैं। सही बात है। मेरे वाले बेडरूम में क्लोजेट सिंगल है, यहाँ पे डबल है। अच्छा ओके ओके ओके, सिंगल हो कोई बात नहीं चलता, तुम लोगों के लिए डबल चाहिए। नहीं एक यहाँ अगर आपको पीछे कमरे पर आपको आगे ज्यादा मजा आएगा, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको जो सा चाहिए आप बोले। सर क्या है, मेरे को अभी बताया उसने, भाई जी आ गए। अच्छा मम्मी आ गए ना नीचे, मैं उतर जाती है रेगुलर कॉलो पे लगा हुआ था। कोई नहीं कोई नहीं, मुझे पता था आपकी बिजी चल रहे होगे। मम्मी आ गए, मम्मी कह रही मैं यहाँ दोपहर को मंजी डाल लिया करूंगी धूप सेकने के लिए, क्योंकि भी ईस्ट फेसिंग है ना, तो इस तरीके से फिर वो आएगी धूप पूरी। हाँ बहुत अच्छे बालकनी है ये। जी जी चार पाई डाले रखती हूँ, कपड़े भी ना थोड़े अभी पूरे पूरे पहने, अभी गर्मी आई नहीं है, हवा चल पड़ती है ना, इससे गर्म चल पड़ा। मम्मी ने भी शॉल ले रखी है, वैसे तो मैं तो हुडी पहन के निकलता हूँ, चांस नहीं लेती। ये दीवार का सर एक तो मेरे को ये एसी का ये दिख के वो लग रहा है कि इसको भी कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये प्रोविजन तो अभी हमने चेंज करा है ना, इस पूरी वॉल को तोड़ेंगे, एसी बैक साइड पे चला जाएगा तो इस वॉल पे आ जाएगा। इधर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि या तो हो सकता है मैं दो चाहिए अंदर जो छोटा एरिया है, अगर उसको मैं ग्लास कवर करता हूँ तो ऑफिस बनाने के लिए तो अंदर एक प्रोविजन और दे दूंगा। हाँ। और बाहर एक प्रोविजन और दे दूंगा, इसी पर्पस के लिए बुलाया था मैंने आपको। ठीक है, पर्पस ये था कि जब मैं इस वॉल को तोड़ रहा हूँ और जो 3D मैंने दिया था ना, उस 3D के अंदर एक 1.5 फुट की वॉल ऊपर चल रही है, अगर आप खोलोगे तो। ठीक है, पर मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं 1.5 फुट की वॉल ना दूं। अच्छा आई वॉन्ट फुल ग्लास, अच्छा लगेगा, खुला लगेगा। ओके
ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा। अगर वो 1.5 फुट की होती फिर तो ये फील लग सकता, बट इट वुड इफेक्ट योर कॉस्टिंग, बिकॉज़ अगर हम 1.5 फुट छोटा ग्लास लेते हैं तो कॉस्टिंग अलग है, और पूरा ग्लास लेते हैं तो कॉस्टिंग ज्यादा है। इसलिए मैंने आपसे आपका रिकॉल लेना था, इसमें आप क्या चीज चाहते हो। ओके, हां बाहर 1.5 टन का लगा लेंगे एसी, और अंदर लेना पड़ेगा 0.75 टन का। दरवाजे हाइट बड़ी अच्छी, मम्मी कहती मन खुश हो गया मेरा, बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, बड़ी हाइट बड़ी अच्छी है। कहीं चौकट देखो अपने हबीब ग्रुप की, हां फॉर ब्यूटीफिकेशन, ये कलम देख रहे हो, हमने अंदर भी कलम दिया, हमने बाहर भी कलम दिया। मेरी पहली कंसर्न आरओ ढका हुआ कबड़ के अंदर। एक बार पूछना था, किचन की वॉल है ना, इसके साथ वो बाथरूम की दीवार टच कर रही है, तो सीट कहाँ रखी हुई है, मुझे जरा सही है देखना। किचन की कोई वॉल के साथ बाथरूम है, आपकी जो किचन चलेगी ना, ये वो इधर चलेगी, वो चलेगी, ये अच्छा 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 इसे माना जाएगा किचन ऐसे चलेगी उस तरफ। ओके, दिस इज योर वर्किंग स्पेस, बहुत है। मुझे आता जाता बंदा कपड़े धोते हुए देखे, फिर आप पीछे रखो कपड़े धोना, पीछे ठीक है। यहाँ हो जाएगा, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, सिलेंडर होते हैं, पतीले होते हैं, या ये 23 इंच जगह है मेरे पास, ये पूरी कवर करके आपको एक वुडन अलमारी बना देंगे। भाई स्टोर रूम चला गया ना, तो लेडीज को तो दराज और जगह बड़ी चाहिए होती है, इसलिए अब ये चैलेंज आ गया कि इसमें यहाँ पे एक कबर्ड बनवा ले, थोड़ी सी ये जगह जो है ना इसे खुलापन कम हो जाएगा, जो बाहर बालकनी में आने के लिए, which is also an important part, but let's see मम्मी कहाँ कॉम्प्रोमाइज करती है। हाँ ये भी तो है ना, बारिश का भी तो हो सकता है, मैं तो छज्जा बहुत बड़ा है, वो तगड़ा तूफान आया तो ही हल्की फुल्की बारिश आया, ये तो कमरा है। सबसे एक्चुअली सबसे बड़ा है, और अब ये वाइट हुई है ना दीवारें, तो इससे जो है इसका अब समझ आने लगा, क्योंकि अंदर ना वो सारा प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो वो सारी लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है, उससे वैसे ही बड़ा डार्क लगता है। ओ मम्मी कहती अलमारी मेरी एक साइड है, एक तो यहाँ और एक यहाँ तक बनेगी ना। और मम्मी एक साइड नहीं है अलमारी, इसके अंदर भी दो साइड है, तो आपकी तो अलमारी भी आपकी भी डबल ही है, फिर बेस्ट कमरा यही है, सामने रोशनी सूरज भी यही होगा। मम्मी मैंने इसको बोला कि जैसे ये ग्लास है ना, अब ये इसमें सैंड्रा कहती कि स्लाइडिंग डोर अगर लग जाए, तो ये कह रहा है कि स्लाइडिंग से भी और बढ़िया, मगर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा क्या काफी एक्सपेंसिव होता है। वो कह रहा है कि यहाँ पे ग्लास बनेगा और पूरा घसीटते हुए आप उसको ले जाओ ग्लास डोर, कैसे वो हो जाता है, तो फोल्ड होता चला जाता है। अच्छा हाँ हाँ, उसकी फिटिंग ही ऐसी होती है कि वो तुम्हें ज्यादातर हटना है, जिसे बंद ही रखना है, तो नहीं तुम्हें जरूरत ही नहीं इतना। नहीं मैं तो इसको ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये चीज भी है मार्केट में, मैं आपको ग्लास हाउस में ले जाऊंगा। अच्छा, मैं ग्लास हाउस में ले जाऊंगा, और वहाँ सारी कैटेगरी लगी पड़ी है, जिस पे दिल आएगा वो। ओहो दरवाजा बंद करना भूल गया, अमित भाई अभी आया नहीं है, बट गुलाटी साहब के पास सुबह सुबह किसी अर्जेंट काम से जाने, इसलिए जरा मैं ही निकल लूं। तो यार सफाई वाले भैया ना खंबे खुले छोड़ जाते हैं, जरा इनको भी डाउन कर लें। जाने का टाइम नजदीक आता जा रहा है ना, क्योंकि अगले ट्रेवल्स की भी तैयारी करनी है, तो इसीलिए बस ये हो रहा है कि घर का जितना मैं अपने सामने करवा सकूं, पत्थर का तो हो गया था मेन, अभी किचन का भी रह रहा है, और थोड़े बहुत डिजाइन एलिमेंट मैं गुलाटी साहब को बार बार कह रहा हूँ, बाकी वाला 3D जो है ना वो भी भेज दो, ताकि सैंड्रा भी अपने इनपुट जो है वो वहां से डाल सके, अभी तो सारा जो है ग्राफिक्स पे वो काम कर सकती है ना मेन, के पेंट का कलर ऐसा हो, कॉम्बिनेशन ऐसी हो, जो दीवारों की मोल्डिंग है वो ऐसी हो, बस उसी पे चल रहा है। चलो जी गुलाटी साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने थाईलैंड से आने के बाद टाइम ही नहीं मिला था, अब साइन किया, सारे डिटेल पर्टिकुलर्स के क्या क्या डिलीवरेबल्स वगैरह सारा लिख के रखा हुआ था, फाइन ट्यूनिंग करके उसको फाइनल कर लिया, और अब बस मैं घर पहुंचता हूं, तो जब तक अमित भाई भी आ चुका होगा, बाकी भी कुछ बड़े जरूरी काम, अभी जहां से माल हो सकता है मैं बटोर रहा हूं। पिछली बार जो हमारी एक बड़ी पुरानी 10 साल पुरानी मैंने कंपनी खोली थी, उसमें पैसे पड़े, उसके अकाउंट को हमने छेड़ा ही नहीं था, उसमें लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो वो बंद करवानी है, KYC के डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा था बना के लाओगे, अकाउंट इतना पुराना है, फ्रीज हुआ पड़ा है फेडरल बैंक में, तो उसको फ्रीज अनफ्रीज करवा लेते हैं, बाकी फिर आपको एक खास जगह तो मैं लेके जा ही रहा हूँ, तो ये काम भी जरा फटाफट निपटाऊं, जो भैया आजकल तो ऐसे हो रहा कहीं से कुछ आ जाए बटोर लेके लोन कम से कम लेना पड़े। चल यार जी फेडरल बैंक 5 नंबर का, यही मेरा पहला बैंक अकाउंट खुला था, और उसी को ही बंद करवाना है, बहुत टाइम से यूज नहीं किया।
माता जी कही थी दोस्तों के साथ तो बहुत गुलाटी जा चुका है, मेरे को तो कभी लेके नहीं गया, मैंने कहा चलो वो गुड़गांव वाले ले जाते हैं, पर मेरी मम्मी को लंच में लेके जाऊंगा क्योंकि हमने ना कभी इनका बूफे ट्राई नहीं किया, डिनर में तो हम अला कार्ट मंगवाते हैं, लंच में बूफे लगता है बहुत बढ़िया, तो इसलिए अपना थोड़ा बहुत खाते हैं और बड़ा एक जरूरी काम उसके बाद आ रहा है। हाँ जी माता जी, भूख लगी है? खुशबू आ गई है, लग जाएगी। हाँ यहीं से ही आ गई, सही बात है, चलो आओ। खतरनाक सेक्शन पे आ गया सीधा, मटन दो प्याजा, बटर चिकन तो खाना ही है, हैदराबादी दम मुर्ग, मगर मैंने थोड़ा नॉन वेज छोड़ रखा है तो इसलिए मैं तो वेज लूंगा। वेज में क्या अपने पास? पंजाबी छोले, जीरा आलू, कोई कोई मशरूम खाएंगे आज, कोफ्ता भी, मम्मी सरसों का साग, चार साग घर में लगा हुआ है, शाम को खाएंगे। हजार रुपए का नॉट बैड, मगर भाई साहब उस हिसाब से तो बड़ा वर्थ है, हाँ? जितना माल रखा हुआ अंदर बहुत खुश है। हाँ। हाँ। मीठे खाने वालों की मौज है ना, सनी हो रहा है, फुल मजे ले, पागल हो जाता कोई नहीं लेंगे उसे भी। अब जरा वॉशरूम जा रहे हैं फिर बैठते हैं खाना खाने। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने स्नैक्स देखे हैं कि नहीं देखे वहाँ पे बुफे सेक्शन में। मम्मी कह रही है मेरी तो भल्ले पापड़ी बढ़ गई, मेरे को वही खिलाओ। ठीक है, भल्ले पापड़ी खाओ, टिक्की लाऊं या दही भल्ले? मम्मी कह रही दोनों ही ले आओ, पूरे चाट के साथ मम्मी कनाडा से आके पूरे कर रही है। मैं तो देखो मम्मी पूरी प्लेट शुद्ध शाकाहारी, मैंने ले ली है साथ में मशरूम भी, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और साग। हमने तो यहाँ पे कभी वेज खाया ही नहीं, पहली बार खा रहा हूँ। वेरी नाइस एंड क्रीमी, मशरूम ट्राई करेगा, बहुत बढ़िया ब्लेंड, दाल बहुत स्वाद है। मेरे को बिरयानी के साथ दाल मखनी खाने का बचपन से बड़ा शौक है, कई लोग कहते हैं वियर्ड कॉम्बिनेशन है, आप ही बताना। साग तो कमाल है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को हैरानी हो रही होगी देख के मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, इसी कारण। अरे वाह, गोलगप्पे आ गए, थैंक यू। उन्होंने कहा चाट खानी है, सारी खाओ दो स्नैक्स में। ये तो मैंने कहा मेरे से वेट हो नहीं रही। गोलगप्पे तो वैसे भी कहीं के भी अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत बढ़िया है। लो जी सैलड्स भी आ गई। शुरुआत वैसे ऐसे चीज से करनी चाहिए, उससे पहली लेयर ना पेट में हेल्दी चीज की बन जाती है, तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं आती है। अगर आप मीठा या चटपटा तो नहीं ज्यादा कार्ब्स वगैरह खा लो तो, बट ऐसी जगह आगे दिमाग थोड़ा काम करना बंद सा कर देता है। मतलब क्या चल रहा है? ग्रेविया चल रही है, चिकन की और सब्जियां चल रही है, वेज है। देखो थोड़ी चीटिंग मैंने भी कर लिया, बिरयानी के ऊपर जो है ना बटर चिकन की ग्रेवी डाल ही लाया हूं, चिकन अवॉइड कर लिया, बाकी मेथी वाला पनीर है। मगर ये कोफ्ते है ना, मैं देख रहा था, मैं कहा यार अंदर से एकदम लाल है, एक काय के बने हुए हैं, बाद में ध्यान दिया चुकंदर के बने हुए कोफ्ते हैं। तो ये मम्मी की रोटी खत्म होने ही वाली थी, मगर स्पेशल चाट आ गई। थैंक यू जी। मैं कह रही ये भी थोड़ा ही है, स्पेशल बोल बोल के मंगवाया है। मैंने कहा इनको अलाउड नहीं है, ज्यादा खा लेंगी या बिल्कुल थोड़ा आधा करके लाना है। तुम आ गया, मैं कहूँ ये भी ज्यादा, कहते नहीं थोड़ा ही है, थोड़ा ही खाओ आप। मैं बिल्कुल मीठा छोड़, मेरा मीठा छूटा हुआ तभी स्पेशल कहा था, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा ना नॉन वेज को ना मीठे को। थोड़ा आप निकाल के टी शर्ट पहनी थी, सोचा था एक बार दो बार चला लूंगा, हो गया काम।